हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एक्वालाइफ। तो दोस्तों, जैसे कि मैं एक्वेरियम से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ, तो गाइस जो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ एक्वेरियम का, वो बहुत ही मोस्ट कॉमन टॉपिक है। जैसा कि हम सब फेस करते हैं, एक्वेरियम कीपर सीखने भी होते हैं, वो सभी फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को, जो कि दोस्तों एलगी की है, जिसकी वजह से हमारा एक्वेरियम भी काफ़ी गंदा लगता है और बहुत ही वाटर क्वालिटी भी बहुत ही बेकार हो जाती है। काफ़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, फिशिश को भी दिक्कत आती है। एलगी से फ्रेंड्स और क्या क्या होता है, हमारी जो पूरी वीडियो को सुनना, पूरी वीडियो को देखना सबसे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो जैसा कि एलगी से क्या क्या होता है फ्रेंड्स, की जो एलगी होती है, जैसा कि जो ग्लास पर लग जाती है, तो उससे कोई भी पैरासाइट वगैरह, कोई भी फंगस वगैरह जो होती है आपके एक्वेरियम के वाटर में, वो उसे खा खा के भी जीती रहती है। तो उससे और ज़्यादा आपकी फिशेज को दिक्कत आ सकती है। आप कितनी भी मेडिसिन वगैरह डाल देंगे, फिर भी उसमें वो जिंदा रह जाती है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। जैसा कि अगर आपकी एक्वेरियम में कोई भी पैरासाइट वगैरह जिंदा रहने लग गए उससे ज़्यादा टाइम के लिए, तो आप फिर धीरे धीरे पहले तो उससे तोड़ना शुरू कर देंगे, फिर वो टाई होना शुरू हो जाएगा फिशिज का। तो फ्रेंड्स, उसकी प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करेंगे कि उसके जो बेस्ट सोल्यूशन आज मैं आपको दूंगा, आप क्या कैसे कर सकते हैं। पहले तो हम बात करते हैं जो एलगी हमारे एक्वेरियम में आती है ग्लास के ऊपर या फिर एक्वेरियम के वाटर में, वो कैसे आती है। एक्वेरियम का जो वाटर है वो ग्रीन से येलो से किस तरीके का हो जाता है, तो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं, वो कैसे आता है, क्यों आता है। तो सबसे पहला और जो मेन चीज़ दोस्तों होती है, जैसे कि डायरेक्ट सनलाइट। अगर आपका एक्वेरियम ऐसी प्लेस पे है जहाँ पे भी डायरेक्ट सनलाइट आती है, जैसा कि मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, जैसा कि मेरा एक्वेरियम यहाँ पर रखा है बेसिकली, तो यहाँ से ये गेट है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ से दोस्तों दिक्कत सनलाइट जैसे कि डायरेक्ट यहाँ पर हमारे एक्वेरियम पर आ जाती है, तो उससे क्या होता है एलगी हमारे एक्वेरियम में लग जाती है और ग्लास के ऊपर, तो उससे एक्वेरियम काफ़ी गंदा दिखता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए अगर एलगी आती रही है डायरेक्ट सनलाइट में भी है, तो भी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज मैं उसका बताऊंगा ऐसा कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। तो इसके लिए हम कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, और भी पहले हम वाटर की चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। एलगी और किस कारण से आ सकती है, पहला कारण तो हमने सनलाइट बता दिया। अब जो दोस्तों अगला कारण है वो है एक्वेरियम का जो वाटर है उसकी क्वालिटी। अगर फ्रेंड्स आपका जो वाटर है वो अच्छे से सही से वाटर जो है, अगर आपका क्लीन भी नहीं रहेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं रहता है, तो वो एलगी की वजह से नहीं रहता है। और अगर आपका वाटर अच्छा नहीं रहता है तो उसकी वजह से भी एलगी आपके एक्वेरियम में आती है। तो आपको जो है वाटर का जो क्वालिटी है वो एकदम अच्छी रखनी है। आप चाहें तो जो वाटर आता है समर का नहीं, जो बोतल वाला वाटर आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एकदम रिसाइकल करके वाटर को जब भी यूज करें, आप डायरेक्टली उसमें फिश ना डालें, ना फिशेज मर जाएंगे, रिसाइकल वाटर यूज़ करें। और दोस्तों जो वाटर है उसे एकदम क्लीन रखें, फिल्ट्रेशन सिस्टम आपके एक्वेरियम का अच्छा रहना चाहिए। अगर आपकी फिश बढ़ी है, जैसे कि मेरी फिश बढ़ी है, तो वो डर्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, और अगर फिल्ट्रेशन जो है आपके एक्वेरियम की वो एकदम अच्छी नहीं होगी, तो आपके एक्वेरियम के वाटर में डर्ट रहेगी, तो भी एलगी ज़्यादा आएगी। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप बाल्टी वगैरह में कहीं कहीं धूप वगैरह में पानी भर के थोड़ी देर के लिए, थोड़े बहुत दिनों के लिए रख दोगे, तो उसमें एलगी आ जाती है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये ग्लास वगैरह में, यहाँ टॉर्च के पास मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद जूम करके, यहाँ पे एलगी आ गई है। इस तरीके से इन जगहों पे एलगी आ जाती है, और वाटर फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं रहेगा। तो जैसे कि मेरे फेसेज बड़ी हो रही है, वाटर फिल्ट्रेशन अच्छा है, लेकिन फिर काफ़ी दिन हो गए वाटर को चेंज करे बिना, मैं ज़्यादा वाटर चेंज नहीं करता हूँ, तो इस वजह से इसमें एलगी आ जाती है। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर, कि हमें कैसे प्रिवेंट करें एलगी को आने से। एलगी तो आएगी। अब हम ज़्यादा प्लेस वगैरह एक्वेरियम की चेंज नहीं कर सकते, ज़्यादा प्लेस नहीं रहते। तो दोस्तों कुछ कॉमन मेडिसिन होती हैं, जैसे कि ये वाली जो हमारी मेडिसिन है आप देख पा रहे होंगे, एंटी क्लोरीन, ये छोटे पैक में भी आती है, ये बड़े पैक में मेरे पास अल्ट्रा लाइफ की है, क्लोर ऑफ एंटी क्लोरीन। आप दोस्तों ये डाल सकते हैं, मैंने अभी यही एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा था आप लोगों के लिए, मैंने
काफ़ी टाइम से एक्वेरियम में एंटी क्लोरीन नहीं डाली थी, वाटर चेंज किया था, तो उससे मेरे एक्वेरियम में बहुत जल्दी जल्दी एल्गी आ रही थी। लेकिन पहले मैं एंटी क्लोरीन डालता था टाइम टू टाइम, तो मेरे एक्वेरियम में कोई भी एल्गी नहीं आ रही थी। तो इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, आपको ये जो कैप है, अगर आपका एक्वेरियम मेरे बराबर का 2.5 to 3 feet तक का एक्वेरियम में, आपको ये जो कैप है ये आप 1 से 1.5 कप 1.5 कैप भर के आप पूरा और इसे डाल सकते हैं अपने एक्वेरियम में। जब भी वाटर चेंज वगैरह करें, या फिर आप वाटर चेंज ज़्यादा नहीं करते हैं, आप 1 to 1.5 months तक, 1 से 1.5 महीने तक आप वाटर चेंज नहीं करते हैं अपने एक्वेरियम का, जैसे कि 30 to 40% या 50% तक, या फिर बिल्कुल भी आप वाटर चेंज नहीं करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 20 दिन बाद, 1 महीने बाद ऐसे आप ये एंटी क्लोरीन डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आपका एक्वेरियम डायरेक्ट सनलाइट में रखा है तो उससे एल्गी नहीं आएगी, एल्गी आती है तो आप डालें वरना ना डालें, क्योंकि एक्वेरियम का वाटर साइकिल रहता है तो उससे क्लोरीन ऑटोमेटिक हट जाता है, वैसे भी अच्छा रहता है। अब दोस्तों अगली मेडिसिन की बात करेंगे, जो कि है हमारी डेटॉल की, मेरे पास है जनरल एड, मैं आपको दिखाऊंगा, फोकस करना चाहूँगा, ये जनरल एड दोस्तों, जैसा कि ये वाली है मेरे पास डेटॉल की, ये छोटी सी इसी में मेरे पास है छोटे पैक में, आप बड़े पैक में भी इसे ले सकते हैं, हर साइज की पैकिंग में ये आती है दोस्तों, आप ये भी डाल सकते हैं। जनरल एड बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, जैसा कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं, उससे आपको इसके यूजफुल जो थिंग्स होती हैं, इसकी यूज जो होता है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा कि आप इसे किस तरीके से आपको यूज आएगी एक्वेरियम हॉबी में। आपको ये बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, ये तो बहुत ही नेसेसरी है, एंटी ईच और जनरल एड ये मेडिसिन आपको रखनी चाहिए। एंटी ईच इस टाइम मेरी ख़त्म हो गई है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो एंटी ईच भी डाल सकते हैं एलगी कंट्रोल करने के लिए, और जनरल एड भी, ये मेडिसिन आप कुछ टाइम बाद आप डालते रहे अपने एक्वेरियम में, जिससे आपकी फिश की कोई भी दिक्कत वगैरह होगी वो हटती रहेगी, स्विम ब्लैडर डिसीज वगैरह थोड़ी बहुत जो लगने के चांस होंगे वो भी कम हो जाएंगे, फिश का डाइजेशन सिस्टम, फिश की हेल्थ, इससे काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आती हैं, काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करती है ये भी। आप उसी तरीके से जैसे कि इस पर लिख रहा है फॉर डायरेक्शंस में, फॉर ईच एंड माउथ एंड बॉडी फंगस, जैसे कि फंगस वगैरह आ जाती है माउथ पे, तो फिशेज के वाइट फंगस आ जाती है माउथ पे तो वो खा नहीं पाती हैं, बॉडी पे भी आ जाती है वाइट आपने फंगस देखा होगा, जैसे कि ब्रेड के पीस की तरह उनके बॉडी पे फंगस लग जाती है, उससे फिशेज को बहुत दिक्कत होती है, वो क्या करता है उनके ब्लड को सक करती है धीरे धीरे, उससे फिशेज आपकी डाई होना शुरू हो जाती है, तो उसमें भी ये क्योर करती है। आप आफ्टर 15 डेज या आफ्टर 1 month आप अपने हिसाब से अच्छे से इसे डालते रहिए, इससे आपके एक्वेरियम की एल्गी भी कंट्रोल रहेगी, आपकी फिशेज भी अच्छी रहेंगी। जनरल एड भी डाल सकते हैं, इससे आपका जो वाटर है वो थोड़ा येलोइशनेस हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप रेगुलर वाटर चेंज भी करते रहिए, इससे एल्गी कंट्रोल रहेगी, और ग्लास को मैग्नेटिक क्लीनर से हाथ डाल के आप साफ़ कर सकते हैं तो भी एल्गी एकदम से कंट्रोल रहेगी। कैमरा में तो इतनी एल्गी नहीं आ रही है, लेकिन आप सीधे से देखेंगे तो एक्वेरियम मेरे में बहुत एल्गी आ रही है, ग्लास से इससे काफ़ी ऑड लुक लग रहा है, गंदा सा लग रहा है। तो फ्रेंड्स मैं एक्वेरियम के फिल्टर और एक्वेरियम की क्लीनिंग के ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो डालने वाला हूँ, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, इसमें कोई पॉइंट अगर मेरे से मिस हो रहा हो या फिर कोई गलती हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।